उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है, और क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है फ्रॉम 6 जेंटलमैन एंड 4 लेडीज, आपके पास नंबर ऑफ जेंटलमैन कितने हैं? 6 है। अच्छा जी, नंबर ऑफ खवातीन कितनी है? 4 है। अ कमेटी ऑफ 5 इज टू बी फॉर्म, आपको एक कमेटी बनानी है। नंबर ऑफ पीपल इन कमेटी, कमेटी के अंदर कितने लोग होने चाहिए भाई? कमेटी के अंदर होने चाहिए 5। ठीक है, फिर लिखा हुआ है इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन सो एज टू इंक्लूड एटलीस्ट 1 लेडी, कि भाई आपने ये कमेटी बनानी है उसमें एटलीस्ट 1 लेडी तो होनी चाहिए। मैं लिख देता हूं एटलीस्ट 1 लेडी मस्ट बी इंक्लूडेड, एक लेडी तो भाई लास्ट भी होनी चाहिए। तो अब जरा आप बताओ कि नंबर ऑफ कमिटीज कितनी बनेंगी। मैं लिख देता हूं फिर बता दूंगा आपको कि फॉर्मूला कहां से आया। देखो होगा ये कि आपके पास 6 मर्द हैं और 4 खवातीन हैं, आपको 5 की कमेटी बनानी है। रियल लाइफ में समझते इस बात को, फॉर्मूला को छोड़ दो, कमेटी 5 की बनानी है, एक औरत जरूर होनी चाहिए। तो सबसे मिनिमम केस आप डिस्कस करते हो एटलीस्ट 1 लेडी है, तो आप कंसीडर करो कि जो 5 की कमेटी आपने बनाई है उसमें एक लेडी है, तो बाकी 4 कौन होंगे? जेंटलमैन होंगे। अच्छा, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि आपने 2 लेडीज रखी है, तो बाकी 3 कौन होंगे? जेंटलमैन होंगे। चलिए तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, आपने 3 लेडीज रख ली क्योंकि उन्होंने बोला एटलीस्ट एक हो, ज्यादा ज्यादा 2 भी हो सकती है, 3 भी 4 भी रख लो आप। तो फॉर एग्जाम्पल एक और कमेटी आप कैसे बना सकते हो, 3 लेडीज हो और बाकी 2 जो है वो जेंट्स हो, टोटल 5 पूरे कर लेना। एक और पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है कि 4 लेडीज हो और 1 जेंट हो, 5 कमेटी होगी। इसके अलावा भी पॉसिबिलिटी बन सकती थी कि 5 की 5 ही लेडीज हो, वो भी आप बना सकते थे। यहां पे आपको इस चीज की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, आप 5 लेडीज को भी सिलेक्ट कर सकते थे क्योंकि ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि मर्द लाजमी हो। उन्होंने बोलता है एटलीस्ट 1 लेडी हो, तो ज्यादा ज्यादा 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, और पूरी कमेटी में लेडीज हो सकती हैं। लेकिन यहां पे स्टॉक में आपके पास लेडीज ही 4 है, तो 4 में से 5 लेडीज कैसे आप सिलेक्ट कर लोगे? ठीक है, मैक्सिमम आप 4 लेडीज ही सिलेक्ट कर सकते हो। इस सवाल में अगर 5 होती तो 5 को भी सिलेक्ट कर लेते क्योंकि सवाल ने रोका नहीं था आपको, लेकिन स्टॉक में ही 4 लेडीज तो 5 कैसे आप सेलेक्ट करोगे? तो इसका मतलब 4 केस यहां पे बनेंगे, 1 लेडी 4 जेंटलमैन, 2 लेडी 3 जेंटलमैन, 3 लेडीज 2 जेंटलमैन और 4 लेडीज 1 जेंटलमैन। ये 4 तरीके से आप यहां पे कमेटी, 4 है बदनी 5 है जो भी है, इन तरीकों से आप कमेटी को बना सकते हो, पहली बात। दूसरी बात, बनाओगे किस तरीके से? यहां पे कॉम्बिनेशन यूज करोगे, परमोटेशन, जब भी कमेटी, ग्रुप, पार्टी, टीम, कुछ भी बोला जाए कॉम्बिनेशन आप यूज करते हो, क्योंकि उनका ऑर्डर मैटर नहीं करता। अब फॉर एग्जाम्पल आप 2 लेडी सेलेक्ट कर रहे हो, क्या ये मैटर करता है? पहले आपने लेडी ए को सेलेक्ट किया फिर आपने बी को सेलेक्ट किया, ये चीज डिफरेंट है इसके कि आपने बी को सेलेक्ट किया और ए को सेलेक्ट किया। भाई असल मैटर करता है कमेटी में लड़कियां कौन सी हैं, लेडी कौन सी आई है, ये मैटर नहीं करता कि किस लेडी को आपने पहले सेलेक्ट किया। कमेटी, ग्रुप, टीम, इन चीजों में चीज मैटर, ऑर्डर मैटर नहीं करता, मैटर करती है सिलेक्शन कि आपने किन 2 को सेलेक्ट किया, ये मैटर करता है। तो दैट्स व्हाई कॉम्बिनेशन का सवाल है। अब पहले केस को डिस्कस करते हैं कि आपने मिनिमम केस क्या है कि 1 लेडी सेलेक्ट करनी है, तो 4 लेडी में से 1 को सेलेक्ट करने के कितने तरीके हैं? 4C1, 4 लेडीज हैं, 1 को सेलेक्ट करना है 4C1, ठीक है, और साथ साथ आपने 4 मर्दों को करना है, 1 लेडी की तो 4 मर्द, 4 मर्दों को करने कितने तरीके? 6 है टोटल, 6 में से 4 को आपने सेलेक्ट करना है। ये काम एक साथ करना है ना भाई, 1 और 4 ये एक साथ की कमेटी बनानी है ना, तो मल्टीप्लाई करो, तो टोटल 5 लोगों की बनानी है, तो आपने क्या किया इनको मल्टीप्लाई कर लिया, ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि आपने 2 लेडीज को सेलेक्ट करना है, तो 4 में से 2 को सेलेक्ट करने के कितने तरीके हैं और बाकी 3 कौन से होंगे? मर्द। 6 मर्दों में से 3 को सेलेक्ट करने के तरीके क्या होंगे? 63। अगेन ये कमेटी आपने बनानी है तो आपस में आप ऐड करोगे, टोटल 5 की बनानी है ना, तो दोनों काम आपको एक साथ परफॉर्म करने हैं, प्रोडक्ट प्रिंसिपल कहता है कि मल्टीप्लाई करो। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर 3 लेडीज आपने सेलेक्ट करनी है, 4 में से 3 मर्द पीछे कितने होंगे? 2 सेलेक्ट करने, 6 में से 2 मर्द। और आखिरी पॉसिबिलिटी, 4 में से 4 लेडीज और मर्द आपने 1 सेलेक्ट किया, तो 6 में से 1 सेलेक्ट करने के कितने तरीके? 6C1। इन सब पॉसिबिलिटीज को आपस में आप ऐड करोगे। ऐड क्यों करोगे?
क्योंकि बेटा ये सब काम आप एक साथ परफॉर्म नहीं कर सकते। क्या ये पॉसिबल है कि आपकी कमेटी में एक औरत हो, चार लेडी मर्द हो, और दो लेडीज हो, तीन मर्द हो? ये एक वक्त में पॉसिबल नहीं है। या तो ये कमेटी बनेगी, या ये बनेगी, या ये बनेगी, या ये बनेगी। तो ये सब पॉसिबिलिटीज जो है ये आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, एक वक्त में ये परफॉर्म नहीं हो सकती। तो यहां पर आप लगाओगे जो सम प्रिंसिपल था, क्या आप आपस में इनको एड करोगे, तो आपको पॉसिबिलिटी निकालनी है। 4c1 जो है बच्चों को क्या हो जाएगा, 4 के बराबर हो जाएगा। 64 अगर निकालोगे तो 720 को आप डिवाइड करो 48 से। तो मैं कैसे निकालू यहां पे, मैं कैलकुलेटर से निकाल लेता हूं, मसला हल करते हैं। तो 6c4 आंसर हो जाएगा बच्चों 15 प्लस 4c2 क्या होता है, 4c2 तो आपको पता है ना, अभी निकाला था 4 6 होता है ना। 6c3 क्या होता है, ये निकाल लेते हैं, जो निकाल सकते हैं कैलकुलेटर वगैरह वो तो वैसे ही निकाल लेते हैं। 4c3 क्या होगा, अभी आपने निकाला है, 4c1 निकालो या 4c3 निकालो, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है ना, तो आंसर 4 ही होगा। अगेन c64 निकालो या c62 निकालो, अगर ये 15 है तो ये भी 15 होगा। क्या आपको आसानी होती, टाइम बचा लेगा, कैलकुलेटर यूज करने की जरूरत नहीं है। 4 में से 4 को सिलेक्ट करोगे तो एक ही पॉसिबिलिटी है, और 6 में से अगर आप 1 को सिलेक्ट करोगे टोटल 6 पॉसिबिलिटीज है। जैसे यहां पे 4 में से 1 को सिलेक्ट किया था, 4 पॉसिबिलिटी थी ना, तो ये आप निकालो। आप इनको सॉल्व करो, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 120, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 6। तो 120 और 120 240 में 6 ऐड करो 246। तो टोटल 246 तरीके हैं जिससे आप कमेटी बना सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है, देयर आर 20 मेल एंड 8 फीमेल काउंसलर्स इन अ म्यूनिसिपैलिटी। पता नहीं क्या है, अच्छा नंबर ऑफ मेल्स कितने हैं, नंबर ऑफ मेल्स ये बच्चों है 20, अच्छा जी नंबर ऑफ फीमेल्स ये कितनी है 8। इन हाउ मेनी वेज अ कमेटी कैन बी फॉर्म कंसिस्टिंग ऑफ 5 मेल्स एंड 2 फीमेल काउंसलर, पार्ट 1 क्या देते हैं इसको। पार्ट 1 में क्या है, कमेटी आप ये कह लो कि एग्जैक्टली 5 मेल्स एंड 2 फीमेल, आपने कमेटी बनानी है जिसमें 5 मेल हो और 2 फीमेल हो। अच्छा ये स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी में ये वर्ड काफी यूज होते हैं, एग्जैक्टली, एटलीस्ट, एटमोस्ट या एटमोस्ट, कुछ भी एटमोस्ट मेरे ख्याल में अच्छा वर्ड है, एटमोस्ट हो गया, एटलीस्ट हो गया, एग्जैक्टली हो गया, इस टाइप के वर्ड होते हैं। एग्जैक्टली का मतलब यही पॉसिबिलिटी है, एटलीस्ट का मतलब कम से कम ये है, ज्यादा से ज्यादा कुछ भी कर दो, और एटमोस्ट का मतलब ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा ये है, बाकी कम ही होगा इससे। मतलब अगर बोले कि एटमोस्ट 2 लेडीज होनी चाहिए, मतलब भाई ज्यादा से ज्यादा 2 लेडीज हो, 2 से कम हो सकती हैं लेकिन 2 से ज्यादा नहीं हो सकती। एटलीस्ट का मतलब फॉर एग्जाम्पल बोले एटलीस्ट 1, तो उसका मतलब मिनिमम 1 हो, 1 से ग्रेटर भी हो जाए। तो एटलीस्ट, एटमोस्ट, एग्जैक्टली, इनके मतलब आपको पता होना चाहिए। यहां पे एग्जैक्टली बोला तो नहीं है उन्होंने सवाल में, एग्जैक्टली आई गेस नहीं बोला, तो ये आपको लेकिन खुद बता रहे ना कि वो बोल रहे हैं कि यार 5 मेल 2 फीमेल, एग्जैक्ट आपको बताएगी ये बात। तो आपको कमेटी बनानी है, इन्होंने बोला क्या वर्ड का यूज किया है, कमेटी का बोला है ना, तो आप लिख दो कितनी नंबर ऑफ कमेटीज बनेंगी यहां पे। अच्छा 5 मेल और 2 फीमेल, भाई टोटल 20 मेल है, 20 में से 5 को सेलेक्ट करने के कितने तरीके हैं, 20c5 मल्टीप्लाई 8 फीमेल से 2 को सेलेक्ट करने के कितने तरीके हैं, 8c2, ये दोनों काम एक साथ करने हैं तो आप मल्टीप्लाई कर दो। तो बाकी काम यहां पे कैलकुलेटर का है, 20c5 जो है बच्चों वो होता है 15504 मल्टीप्लाई 8c2 होता है 28, तो 28 को अगर आप मल्टीप्लाई कर दो 15504 से तो आंसर आ जाएगा 43,4112, 434,000। इतनी आपके पास कमेटीज बन जाएंगी, पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा हैं। 20 में से 5 सेलेक्ट करने के पता नहीं कितने तरीके हैं, 15,000 तरीके, 20 में से आप 5 लोगों को सेलेक्ट कर सकते हो। बहर ये तो खूबसूरती है कंबिनेशन ऑफ अमोटेशन की। तो ये तो पहला पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट क्या है, मतलब और क्या लिखा उन्होंने, इन हाउ मेनी वेज कमेटी ऑफ 7, 7 की कमेटी बनानी है, देयर विल बी एटमोस्ट 2 फीमेल काउंसलर, अगेन एटमोस्ट का वर्ड आ गया, तो मैं लिख देता हूं कि एटमोस्ट 2
टू फीमेल्स। अच्छा ऊपर अगर लिख दो कि मतलब यहां पे लिख देना कि नंबर ऑफ पीपल इन कमेटी, कितने कमेटी कितने लोगों की कमेटी होनी चाहिए, सात लोगों की होनी चाहिए। ऊपर भी आपने सात की बनाई, नीचे भी आप सात की, वो कह रहे हैं कि सात की कमेटी बनानी है जिसमें एटमोस्ट कितनी फीमेल्स होनी चाहिए, दो, मतलब ज्यादा से ज्यादा दो हो, ठीक है, दो से ज्यादा नहीं हो सकती, दो से कम हो सकती है। तो नंबर ऑफ कमेटी कितनी बनेगी यहां पे, क्या पॉसिबिलिटी है, ज्यादा से ज्यादा दो हो सकती है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप दो सेलेक्ट कर रहे हो फीमेल और बाकी कितने करने पड़ेंगे, पांच मर्द सेलेक्ट करने पड़ेंगे, तो आठ में से दो फीमेल को सेलेक्ट करने के तरीके 82 और बाकी को सिलेक्ट करने के मतलब एग्जैक्ट वही ऊपर वाली सिचुएशन बन जाएगी। तो मैक्सिमम सिचुएशन तो ये है कि ज्यादा से ज्यादा दो लेडीज होंगी, कम से कम एक लेडी भी हो सकती है, तो 81 और बाकी छह मर्द होंगे तो 26, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा दो हो, कम से कम एक भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है, ये भी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे कि जीरो भी लेडी हो, हमें से क्या गर्ज है। तो ये बाय द वे वन होता है, लेकिन आप इसको चाहो तो लिख लो 8C0, तो उसका मतलब बाकी सारे आपने क्या बनाने हैं, मर्द की बनानी है, तो 20C7 एटमोस्ट का ये तो फायदा है, जैसे एटलीस्ट का होता है ज्यादा ज्यादा कितने भी आप कर लो, तो उसमें कम से कम कितने भी कर लो, कम से कम जीरो हो सकता है, क्या भी कमेटी में कोई भी लेडी नहीं है, इससे कम नेगेटिव में तो नहीं जा सकते ना आप। तो एटमोस्ट टू का मतलब ज्यादा दो या ए या जीरो होता है, ठीक है। तो जरा इसको सॉल्व करते हैं आप, इस पूरी चीज का आंसर तो है 434112। अच्छा जी, तो बच्चों टोटल पॉसिबिलिटी आ गई 8,21,712, ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, हाँ क्वेश्चन नंबर 9 है, लिखा हुआ हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म बाय टू वॉवल्स एंड थ्री कॉन्सोनेंट्स आउट ऑफ फोर वॉवल्स एंड सेवन कॉन्सोनेंट्स। अच्छा, सबसे पहले आपके पास अवेलेबल कितने हैं, नंबर ऑफ वॉवल्स कितने हैं भाई, टोटल वॉवल चार है, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स वो आपके पास है 7, नंबर ऑफ लेटर्स इन अ वर्ड 5 लेटर का आपको वर्ड बनाना है। अब आ जाओ सॉल्यूशन के ऊपर, सॉल्यूशन में आपको रिस्ट्रिक्ट किया गया है, रिस्ट्रिक्ट क्या किया गया है कि आपने दो वॉवल्स और तीन कॉन्सोनेंट से वर्ड बनाना है, मतलब ऐसा वर्ड बनाना है जिसके अंदर दो वॉवल हो और तीन कॉन्सोनेंट हो, ये उन्होंने रिस्ट्रिक्शन दी है। तो आप लिख दो यहां पे नंबर ऑफ वर्ड्स और ब्रैकेट में बता दो कि क्या बारे में क्या है, कंसिस्टिंग ऑफ टू वॉवल्स एंड थ्री कॉन्सोनेंट्स, मतलब आपको ऐसे वर्ड्स बनाने हैं कॉन्सोनेंट्स, ऐसे वर्ड्स बनाने हैं आपको जिसके अंदर दो वॉवल्स हो और तीन कॉन्सोनेंट हो, तो कितने आप बना सकते हो। तो भाई सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपके पास चार वॉवल्स हैं, आपने कितने वॉवल्स का वर्ड बनाना है, दो का, तो एट ए टाइम आपने दो वॉवल्स सेलेक्ट करने हैं, तो आप यहां पे 4C2 कर दोगे। अच्छा कॉन्सोनेंट कितने होने चाहिए, तीन कॉन्सोनेंट होने चाहिए, टोटल कितने हैं, सात कॉन्सोनेंट आपको दे दिए, तो सात में से आपको कितने चाहिए, तीन चाहिए, तो हो जाएगा 7C3, तो ये आपके पास वर्ड आ जाएगा। लेकिन आपको पता है ये तो, अब मैं एग्जाम्पल दे दूं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास वॉवल्स कितने होते हैं, चार वॉवल है, फॉर एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं ए ई आई ओ, फॉर एग्जाम्पल चार वॉवल जो है वो हमारे स्टॉक में ये हैं, चार ही वॉवल्स हैं, कॉन्सोनेंट फॉर एग्जाम्पल जी एच के एल एम एन ओ, ये सारे कॉन्सोनेंट फॉर एग्जाम्पल सात आपको गिवन है, आपको वर्ड्स बनाने, तो आपको कोई दो वॉवल सेलेक्ट करने हैं, तीन कॉन्सोनेंट करने हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां से आपने सेलेक्ट किया ए ई, यहां से आपने सेलेक्ट किया जी एच के, तो ये आपके पास एक वर्ड आ गया, बेशक मतलब बने या ना बने, तो ये आपके पास पांच लेटर्स का एक वर्ड आ गया जिसमें दो वॉवल्स है तीन कॉन्सोनेंट है। लेकिन आपको पता है कि वर्ड्स के अंदर ऑर्डर मैटर करता है, वर्ड्स के अंदर ऑर्डर मैटर करता है, आपने पहले सिलेक्शन कर ली, लेकिन जो सिलेक्शन आ रही है उसमें ऑर्डर भी तो मैटर कर रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल आपने ये सिलेक्शन करके एक वर्ड बना दिया, अब ये वर्ड के अंदर पांच लेटर्स हैं, ये आपस में अरेंज भी तो हो सकते हैं, आप इनको ऐसे भी तो लिख सकते हो ई ए जी एच के, आप इस तरह भी लिख सकते हो ई जी ए एच के, कहने का मतलब है कि ये जो आपने वर्ड बनाया है इसमें तो आपने ये बनाया ना कि टोटल वर्ड कितने बन रहे हैं, अरेंजमेंट को तो कंसीडर किया ही नहीं आपने,
आपको पता है हर वर्ड आपस में अरेंज भी तो हो सकते हैं लेटर्स आपस में, तो ये जो पांच लेटर का वर्ड है, पांच लेटर का वर्ड कितने तरीकों से अरेंज हो सकता है, 5 factorial। तो कहने का मतलब ये कि आपने अगर एक सिलेक्शन परफॉर्म की, 2 यहां से निकाले 3 यहां से निकाले, तो वो एक वर्ड नहीं बनेगा, वो 120 वर्ड बनेंगे उसके अंदर, क्योंकि जो एक आपने सिलेक्शन की है उसको आप अरेंज भी तो कर सकते हो ना, 5 factorial मतलब 120 तरीकों से आप अरेंज कर सकते हो। तो जो एक सिलेक्शन परफॉर्म किया उसमें 120 वर्ड आपके पास बने। फॉर एग्जाम्पल आपने सिलेक्शन चेंज कर दी, अब आपने सिलेक्ट किया EI और यहां से आपने सिलेक्ट किया MNO, अभी कोई एक वर्ड नहीं आया आपके पास, 120 मजीद वर्ड आ गए आपके पास, क्योंकि आप इनको अरेंज भी तो कर सकते हो ना। तो कहने का मतलब है हर पॉसिबल सिलेक्शन में आपके पास 120 नए वर्ड्स आ रहे हैं, मतलब एक सिलेक्शन की लेकिन हकीकत में 120 वर्ड है, 2 सिलेक्शन हकीकत में 240 वर्ड्स हैं। तो ये है टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन, हर सिलेक्शन में 120 आपके पास वर्ड्स आ रहे हैं। तो आप क्या करोगे, आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 5 factorial से। मल्टीप्लाई इसलिए कर रहा हूं कि आपने ऑब्जर्व कर लिया कि एक सिलेक्शन है लेकिन टोटल वर्ड्स कितने आ रहे हैं, 120, मतलब किससे मल्टीप्लाई किया आपने, 120 से मल्टीप्लाई किया। इसी तरह 2 सिलेक्शन है लेकिन हकीकत में वर्ड्स कितने आ रहे हैं, 240, तो किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, 120 से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना आप। तो इतनी आपके पास सिलेक्शन है, हर सिलेक्शन के अंदर 5 factorial मजीद वर्ड बनेंगे, तो आप यहां पे मल्टीप्लाई कर दोगे 5 factorial से। तो जरा आंसर निकालते हैं हम, 4C2 का आंसर तो बच्चों 6 ही हो जाएगा, 7C3 का आंसर आई गेस 28 होता है शायद, 35, और 5 factorial होता है 120। तो जरा मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आंसर आएगा 25200, ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बन जाएंगे। ठीक है, अच्छा यहां पे एक चीज मेरे जहन में आ रही थी, मैं शेयर करता हूं, मे भी आप लोग किसी जहन में हो, कि आप लोगों से अगर हम ये अरेंजमेंट को छोड़ते हैं, हम डायरेक्ट परमोटेशन यूज कर लेते हैं यहां पे, आप फालतू में सिलेक्शन कर रहे हैं फिर अरेंज कर रहे हैं, ये 5 factorial तंग कर रहे हैं, हमें काम करते हैं डायरेक्ट ही काम कर लेते हैं, 4P2 मल्टीप्लाई 7P3 परमोटेशन खुद ही अरेंज कर लेगी। लेकिन जब ये फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे आप ऑब्जर्व करोगे आंसर आपका मैच नहीं कर रहा, उसकी वजह मैंने सोची क्यों मैच नहीं कर रहा, वो वजह मैं आप लोगों को बताने लगा हूं कि आप परमोटेशन यहां पर यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आपके जहन में आओगे अरेंजमेंट है यहां पर, चलो परमोटेशन यूज कर लेते हैं, नहीं वो वर्क नहीं करेगा, वो वर्क इसलिए नहीं करेगा, 4P2 का मतलब क्या है कि ये अगर आप सिलेक्शन कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल AE और यहां पे सिलेक्ट कर रहे हो GHK, तो 4P2 का मतलब क्या होता है, 4P2 का मतलब ये होता है कि आपके पास कितनी अरेंजमेंट बनेगी, आपके पास अरेंजमेंट बनेगी 12 बन रही होंगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये वाला फॉर्मूला एक AE कंसिडर करेगा, फॉर एग्जाम्पल ये फॉर्मूला इस तरह भी कंसिडर करेगा EA, इसको भी मैं सेम ही रखता हूं, मतलब फॉर्मूला ऑर्डर भी मैटर करेगा। तो फॉर एग्जाम्पल एक दफा सिलेक्ट कर रहा है AE, दूसरी दफा कर रहा है EA, परमोटेशन में ही होता है। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल ये सिलेक्ट कर रहे हैं IO, उसके साथ GHK को फिलहाल हम ऐसे रखते हैं, ये IO कर रहा है फिर OI भी करेगा GHK, ये फॉर्मूला सब काम कर रहा होगा। तो फॉर एग्जाम्पल जो 4 है ना उसमें से 12 तरीकों से आप 12 अरेंजमेंट होती है, अगर आप 2 पिक कर रहे हो तो इस तरह के 12 होंगे, आप करते जाना EI कर लेना, AO कर लेना, अच्छा EO कर लेना, इस तरह 12 हो रहे होंगे, फिर इसको भी तो आप अरेंज कर सकते हो ना। ठीक है, बैक बाद आप इसको भी अरेंज कर लोगे, तो ये 3 है। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करोगे, 7 में से 3 को जब आप पिक करोगे तो एक अरेंजमेंट में करोगे ना, फॉर एग्जाम्पल इन 3 को पिक किया, अब आप इसको 6 तरीके से अरेंज कर सकते हो, फिर आपने कोई और तरीके पिक किए आप उतने तरीकों से अरेंज कर सकते हो। तो फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट बात तो आपकी ठीक लग रही है यार कि डिफरेंट अरेंजमेंट आपको मिल रही है, लेकिन एक मसला है यहां पर, मसला यह है कि ये फॉर्मूला इन 2 को आपस में अरेंज करके बता रहा होगा, इनको आपस में कॉन्सोनेंट को आपस में अरेंज करके बता रहा होगा, लेकिन ये फॉर्मूला आपको मिक्स नहीं बता रहा होगा, लाइक फॉर्मूला आपको ये पॉसिबिलिटी नहीं बताएगा EGHKA, ये पॉसिबिलिटी नहीं गिन रहा होगा, ये इनकी अरेंजमेंट बता रहा है, इनकी अरेंजमेंट बता रहा है और मल्टीप्लाई कर रहा है आपस में। तो उसमें जो भी वर्ड्स आएंगे ना वो ऐसे वर्ड्स होंगे कि जिसमें ये आपस मतलब वॉवेल्स एक साथ होंगे और ये एक साथ होंगे, ये होंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको ऐसे नहीं बताएगा कि यार मिक्स फॉर्म में कैसे, ये आपको नहीं बता रहा हूं। और अगर आप बोलो कि इसमें मैं 5 factorial से मल्टीप्लाई करूं फिर वो गलत बात हो जाएगी। क्यों गलत बात होगी, क्योंकि फिर आप एक्स्ट्रा काउंट कर लोगे, क्योंकि जैसे इसमें था ना कि 5 factorial से मल्टीप्लाई कर रहे हो बात समझ आ रही है, यहां पे तो ऑलरेडी कुछ चीजों को अरेंज किया हुआ इसने, लाइक ये AEEA को अलग से अरेंज किया हुआ ना, इसी तरह GHK को अलग से अरेंज किया होगा, तो इन इसके अपनी अरेंजमेंट, इसके अपनी अरेंजमेंट उसने काउंट की हुई है, इनकी आपस में नहीं की हुई, जबकि 5 factorial आपको ओवरऑल अरेंजमेंट देता है जिसमें इनकी भी अरेंजमेंट कंसिडर होती है, इसकी भी अरेंजमेंट कंसिडर होती है और मिक्स फॉर्म में भी होती है।
तो अगर आप अब 5 factorial से मल्टीप्लाई करोगे तो चीजों को 2 दफा काउंट करोगे। ये 5 factorial इसको चीजों को भी काउंट कर रहा होगा, मतलब ए ई के अरेंजमेंट को, जो कि आपने ऑलरेडी इसमें कवर की भी होगी, तो फिर आप वो सही तरह कर नहीं पाओगे, वो चीजें मिक्स हो जाएंगी, मजा नहीं आएगा। तो बेस्ट तरीका क्या है कि पहले सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के जितने भी तरीके हैं, आपने सेलेक्ट किया डिफरेंट वर्ड आया, उसको 5 factorial तरीके से अरेंज कर लो, फिर कोई और सिलेक्शन करो, उनको आपस में अरेंज करो, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ वर्ड यहाँ पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, लिखा है इन एन इलेक्शन 3 candidates आर टू बी इलेक्टेड आउट ऑफ 5 candidates। भाई इलेक्शन होने ही वाले हैं वैसे। अच्छा, तो हम कंसीडर करते हैं इलेक्शन हो रहे हैं भाई, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, टोटल कैंडिडेट्स कितने हैं, कैंडिडेट्स नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आर 5, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी इलेक्टेड, ऐसे कैंडिडेट जिनको आपने इलेक्ट करना है, 3 candidates को आपने इलेक्ट करना है, 5 लेकिन भाई इलेक्ट आपको 3 को करना है, ठीक है। नॉर्मली एक जब हल्के में डिफरेंट कैंडिडेट्स होते हैं, सिलेक्ट आप एक को कर रहे हो, लेकिन यहां पे कंसीडर कर लो 3 को करना है, कोई होगी उनकी मजबूरी। अच्छा, वोटर कैन वोट एटमोस्ट, अब देखो एटमोस्ट का वर्ड आ गया, एटमोस्ट एक ही बात है कि मैक्सिमम इतने कर सकता है वो। अ वोटर कैन वोट एटमोस्ट एज मेनी एज द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी इलेक्टेड, वो कह रहे हैं कि एक वोटर ज्यादा से ज्यादा उतने वोट डाल सकता है जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इलेक्ट करने हैं, मतलब 3। आपको कितने कैंडिडेट्स इलेक्ट करने हैं, 3 करने, इसका मतलब एक वोटर ज्यादा से ज्यादा कितने वोट डाल सकता है, 3 वोट डाल सकता है। अब अगेन ज्यादा से ज्यादा का मतलब क्या है, कि ज्यादा से ज्यादा 3 डालेगा, या वो 2 वोट डालेगा, या वो 1 वोट डालेगा, ठीक है, या वो 0 भी डाल सकता है। एटमोस्ट अगर आप कंसीडर करो, एटमोस्ट की कंडीशन ने बताया था कि ज्यादा से ज्यादा 3 हो, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, ठीक है, ये उन्होंने वोटर की बताया। फिर लिखा है डिटरमिन द नंबर ऑफ वेज इन विच अ वोटर कैन वोट, वो कह रहे हैं कि बताओ नंबर ऑफ वेज इन विच एक वोटर जो है वोट कर सकता है। देख लेते इतना डेटा काफी है मेरे ख्याल में, काफी है, आपने बता दिए, ये लिख दो कि अ वोटर कैन वोट, नहीं मैं नीचे लिख देता हूं, ये नीचे लिख देता हूं सॉल्यूशन के अंदर, ताकि आपको बाद में समझ आए मैंने क्या लिखा है। अ वोटर कैन वोट थ्री और 2 और 1 और 0 कैंडिडेट्स, जो वोटर जो है ना वो या तो 3 को वोट दे सकता है, या 2 को दे सकता है, या 1 को दे सकता है, या 0 को दे सकता है। अच्छा, 0 वाला कंसीडर होना चाहिए नहीं, अगर आप सॉल्यूशन देखो ना, सवाल आपको वर्ल्ड वाइड भी नजर आएगा, गूगल पर सर्च करो तो आपको ऐसे सॉल्यूशन भी मिलेंगे जिसमें 0 वाली पॉसिबिलिटी कंसीडर की नहीं है। उसकी रीजन पता है क्या है, अगर आप एटमोस्ट को कंसीडर करो ना तो उसमें तो बात समझ आ रही है कि 0 हो सकता है, लेकिन जो एंड में वर्डिंग लिखी है ना, डिटरमिन द नंबर ऑफ वेज इन विच द वोटर कैन वोट, कि ऐसे नंबर ऑफ वेज बताओ जिसमें वोटर वोट दे सकता है, तो जो कैन वोट का मतलब है उसको वोट देना लाजमी है, चाहे वो 1 दे, चाहे वो 2 दे, या चाहे वो 3 दे। तो जो एंड की वर्डिंग है ना, ये आपको बता रही है कि 0 इंक्लूड नहीं होना चाहिए इसके अंदर, क्योंकि वोट देने की बात हो रही है, तो इसमें तो ये पॉसिबिलिटी आ ही नहीं सकती कि वोट ना दे वो, लेकिन अटमोस्ट वाली कंडीशन बता रही है कि 0 भी इंक्लूड हो सकता है। तो फिर इसका सॉल्यूशन ये है कि बुक में आंसर मैंने देखा, बुक में आंसर 26 लिखा है, लेकिन बुक ने 0 कंसीडर किया है, लेकिन अक्कल ये कह रही है कि 0 होना चाहिए नहीं, ठीक है, लेकिन बुक को फॉलो कर लेते हैं। तो मैंने ऊपर लिख दिया कि वोटर के पास क्या पॉसिबिलिटी है, तो वो 3 वोट दे, या वो कोई 2 वोट दे दे, या किसी को 1 वोट दे, या 0 वोट दे। तो अब इसके नंबर ऑफ वेज हम निकालते हैं। भाई अगर वोटर 3 वोट दे रहा है तो भाई उसके पास 5 कैंडिडेट्स हैं, 5 में से किसी को भी वो 3 को दे सकता है वोट, 5 में से 3 उसने सेलेक्ट कर दे हैं, उसके पास 5 नाम लिखे हैं, उसमें से कोई भी 3 को सेलेक्ट करके उसे ठप्पा लगाना है, ठीक है। अच्छा, तो पॉसिबिलिटीज कितनी बनेंगी उसके पास, 5C3 मतलब 10 पॉसिबिलिटी है उसके साथ, कि वो 10 तरीकों से 3 बंदों को वोट दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो 2 को देना चाह रहा है तो 5 में से 2 को सेलेक्ट करने, इसकी भी पॉसिबिलिटी 10 ही है, कि अगर 5 कैंडिडेट्स लिखे हैं उसने 2 वोट देने हैं तो किसी भी 2 को सेलेक्ट करेगा। तो सिलेक्शन कितने तरीके से हो सकती है, 10 तरीकों से हो सकती है 5C2। फॉर एग्जाम्पल अगर वो कहना चाह रहा है कि मैंने 1 को वोट देना है तो 5C1, कि 5 उसके पास लिखे होंगे, उसने किसी भी 1 को सेलेक्ट करना है और उसको वोट देना है, इसके तरीके भी 5 ही होंगे, क्योंकि या तो पहले कैंडिडेट को सेलेक्ट करेगा ठप्पा लगा देगा, या दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, 5, तो 5 ही पॉसिबिलिटी होंगी इसके। और आखिरी पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर वो 0 को वोट दे, मतलब किसी को भी वोट ना दे, ठीक है,
तो जीरो में तो खैर वन ही आंसर आता है, 5C0 लिखो या 10C0 लिखो या 100C0 लिखो, आंसर तो वन ही होता है उसके। नथिंग करने की एक ही पॉसिबिलिटी है कि नथिंग। अब सवाल है कि मल्टीप्लाई करना है या ऐड करना है, इसमें स्टूडेंट को कंफ्यूजन होती है भाई ऐड होगा क्यों। क्या ये पॉसिबिलिटी है कि वोटर ने 3 वोट दिए और आप बोलोगे नहीं उसने 2 दिए, आप बोलो नहीं उसने 1 दिया है, बैक वक्त में पॉसिबल नहीं। या तो वोटर जाएगा इलेक्शन, जो भी बूथ बने होते क्या बोलते हैं उसको, हल्का नहीं बोल गया, अभी नाम आएगा वैसे इलेक्शन के वक्त काफी होता है वो, हल्के बने हुए होते शायद, या पता नहीं एग्जैक्ट मुझे नाम याद नहीं क्या बोलते हैं इसको, तो जाएगा 3 को दे देगा। ऐसा पॉसिबल है कि वो 3 को भी दे रहा है और 2 को भी दे रहा है, नहीं एक वक्त में ऐसी कंडीशन पॉसिबल नहीं है। या तो वो जाएगा किसी 3 को देगा या वो जाएगा किसी 2 को देगा, ऐसा पॉसिबल नहीं कि उसे 3 को भी दिया हुआ है और आप बोलोगे उसे 2 को भी दिया हुआ है, लाइक ये मतलब बैक वक्त नहीं हो सकता। या आप बोलोगे उसने 1 को दिया हुआ है, भाई वो 3 को देकर आया 1 को कैसे देगा वो, तो बैक वक्त की कंडीशन एक साथ हो नहीं सकती ना, अलग अलग बात है पूरी। तो दैट्स व्हाई आप इनको ऐड करोगे, 5C3 होता है 10, 5C2 भी 10 होता है क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री है, 5C1 5 होता है, 5C0 1 होता है। तो आप इसको सॉल्व करोगे 26, तो आपको मिलेगा कि 26 ऐसे वेज है कि वो इन तरीकों से वोट दे सकता है। उसके बाद लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 में, अब इन अ पेपर ऑफ मैथमेटिक्स देयर आर 2 सेक्शन, भाई 2 सेक्शन है, नंबर ऑफ सेक्शंस 2 है, ईच कंसिस्टिंग ऑफ 5 क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन ईच सेक्शन, दोनों सेक्शन के अंदर कितने कितने क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चंस हैं, एवरी एग्जामिनी हैज टू डू 6 क्वेश्चन, ये मैं पॉसिबिलिटीज में लिख दूंगा। चलो तो अब लिख दो सॉल्यूशन में कि रिस्ट्रिक्शन क्या है यहां पे कि एवरी एग्जामिनी हैज टू डू 6 क्वेश्चंस अटेम्प्टिंग एट मोस्ट 4 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच सेक्शन। अच्छा ये आप लोगों के एग्जाम में भी होता था, अगर आप देखो तो आप लोगों के एग्जाम में भी ये होता था कि मिनिमम आपको 3 क्वेश्चन जो है ना वो हर सेक्शन से अटेम्प्ट करने हैं। 2017-18-19 में ना ये पेपर पैटर्न होता था, लास्ट टाइम का तो मुझे खैर याद नहीं है, 17-18-19 में पेपर पैटर्न चेंज हुआ था, तो उसमें यह था कि शॉर्ट के साथ 3 सेक्शन आते थे, आपको एटलीस्ट 3 क्वेश्चन हर सेक्शन से अटेंड करने होते थे कि पहले से 3 किए, दूसरे से 3 किए, चौथे से आपने 4 कर लिए, मिनिमम 3 करने हैं आपने। फिर पॉसिबिलिटी क्या, यही पॉसिबिलिटी है 1 से 4 करोगे बाकी से 3-3 करोगे, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपने किसी 2 से 4 कर लिए तो फिर तीसरे से 2 करने पड़ेंगे, 10 टोटल अटेम्प्ट करने ना आपने तो तीसरे से 2 करने पड़ेंगे, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, मिनिमम 3 तो आपने करने। तो इसी टाइप की रिस्ट्रिक्शन यहां पे है कि 2 सेक्शन है, दोनों सेक्शन में से आपने मिला के टोटल 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, रिस्ट्रिक्शन ये है कि एक सेक्शन से आप 4 से ज्यादा नहीं कर सकते, मैक्सिमम आप एक सेक्शन से 4 कर सकते हो, मैक्सिमम की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो जरा देखते हैं क्या पॉसिबिलिटीज होंगी। तो नंबर ऑफ वेज, फॉर एग्जाम्पल आप पहले वाले सेक्शन से 4 करना चाह रहे हो, आपके पसंद का सेक्शन है, ठीक है, तो पहले वाले सेक्शन में कितने क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, 5 में से कोई भी आपने 4 करने हैं पहले सेक्शन के अंदर, तो फिर दूसरे सेक्शन से कितने करोगे, 2 करोगे, तो दूसरे वाले सेक्शन से आपने कोई भी 2 अटेम्प्ट, क्योंकि टोटल 6 करने हैं, तो पहले वाले से 4 किए, दूसरे वाले से 2 कर लिया। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि पहले से आपने 3 कर लिए तो दूसरे से भी आप 3 कर सकते हो, भाई 1 से मैक्सिमम 4 से ज्यादा नहीं कर सकते, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि 1 से मैंने 5 कर लिए दूसरे से मैंने 1 कर लिया, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। 4-2 वाली पॉसिबिलिटी है, 3-3 वाली पॉसिबिलिटी है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपकी। अच्छा इस वाले में कोई ये भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि 3 से कम ना होने चाहिए, भाई 2 भी हो सकते हैं कोई मसला नहीं है, यहां पे बस एक ही रिस्ट्रिक्शन है, जैसे आपके एग्जाम में क्या रिस्ट्रिक्शन थी कि भाई मिनिमम 3 होने चाहिए हर सेक्शन से, तो यहां पर रिस्ट्रिक्शन है मैक्सिमम 4 होने चाहिए, मिनिमम 2 भी हो सकते हैं, 2 से कम नहीं हो सकते, क्योंकि अगर 2 से कम 1 करोगे तो दूसरे से 5 अटेम्प्ट करने पड़ जाएंगे, तो 5 तो आप कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये वाली पॉसिबिलिटी है। फिर तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि पहले से आप 2 कर लो और दूसरे से आप 4 कर लो, ये फर्क है इस वाली चीज और इस वाली चीज में फर्क है, अलग अलग आप काउंट करोगे, ठीक है। इसका मतलब ये कि पहले सेक्शन से आपने 4 अटेम्प्ट किए दूसरे से 2 अटेम्प्ट किए, जबकि इसका मतलब है पहले सेक्शन से 2 किए दूसरे से 4 किए, दोनों में फर्क है, ये दोनों में फर्क कंसीडर किया जाएगा। अगेन आप रियल इसको नेचुरल सिचुएशन समझो ना
कि ये मैटर करता है कि पहले सेक्शन से दो करो और दूसरे से चार करो, या पहले से चार करो दूसरे से दो करो, दोनों में फर्क है। ठीक है, अब वक्त आ गया इसको सॉल्व करना है। 5C4 का बच्चों आंसर क्या होगा? 5। अच्छा 5C2 का आंसर होगा 10, 5C3 का आंसर होगा 10, 5C3 का अगेन 10, 5C2 का आंसर 10, 5C4 का आंसर 5। तो ये हो जाएगा 50, 100, 50। तो टोटल 200 तरीके से आप पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हो, इन्हीं में से इंक्लूड है। अच्छा अब ये भी है ना, क्वेश्चंस में भी सिलेक्शन है ना, पांच पहले में से आपने चार करने हैं, लेकिन आप पांच में से कौन से चार पिक करोगे? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 5 पिक कर लिया, तो इस तरह इनमें पॉसिबिलिटी है। फिर दूसरे सेक्शन से जो आप दो कर रहे हो उसमें से कौन से पिक कर रहे हो, तो ये पॉसिबिलिटी है। फिर अच्छा इन सबको हमने ऐड किया, क्योंकि एक वक्त में सब काम नहीं कर सकते ना, एक वक्त में ऐसा हो सकता है कि आपने पहले से चार दूसरे से दो और पहले से तीन दूसरे से तीन कर लिए, एक वक्त में पॉसिबल नहीं है, तो आपने इनको ऐड कर दिया आपस। ठीक है बच्चों, और ये वाली चीज अलग, ये वाली चीज अलग, क्योंकि पहला सेक्शन अलग है दूसरा सेक्शन अलग है, ये ऑर्डर मैटर करेगा यहाँ के ऊपर। ठीक है, परमोटेशन नहीं कर लेना, क्योंकि परमोटेशन का मतलब ही बन जाएगा कि जो आप क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे हो उसमें ऑर्डर मैटर कर रहा है, वो गलत बात है। क्वेश्चन नंबर 1 करो, क्वेश्चन नंबर 2 करो, क्वेश्चन नंबर, फॉर एग्जाम्पल इसमें आपने दो सेलेक्ट किए हैं, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 4, तो आप क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 4 सेलेक्ट करो या क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 1 करो, बात एक ही है, तो परमोटेशन तभी आप यहां पे यूज नहीं कर रहे। लेकिन ये दोनों चीजें अलग हैं, इनको आप परमोटेशन से कंफ्यूज नहीं करना। आखिरी क्वेश्चन करते हैं आज की क्लास का, वो है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा हुआ है? फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 50 बॉल्स, नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है? 50 है। इस टाइप के सवाल आपको प्रोबेबिलिटी में भी नजर आएंगे। 5 बॉल्स आर टू बी ड्रॉन, जी चलो बाद में लिखते हैं। इफ द बैग आर 5 व्हाइट बॉल, नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स, व्हाइट बॉल्स कितनी है? 5 है। अच्छा एंड रेस्ट ब्लैक, बाकी ब्लैक है, तो बाकी कितनी बची है? 45। तो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स कितनी है? 45 है। नंबर ऑफ बॉल्स टू बी ड्रॉन, आपने कितनी बॉल उठानी है? 5 बॉल उठानी है आपने। ठीक है, तो लिखा हुआ क्या है? देन फाइंड द नंबर ऑफ वेज सो दैट द ड्रॉन बॉल्स कंटेन एटलीस्ट 1 वाइट बॉल। वो कह रहे हैं कि कम से कम जो 5 बॉल उठा रहे हैं ना उसमें एक वाइट तो होनी चाहिए, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है और 5 भी हो सकती है। ठीक है, मिनिमम एक वाइट बॉल तो होनी चाहिए, तो आप लिख दो एटलीस्ट, या मैं नीचे लिख दूंगा ना इसको, तो नंबर ऑफ वेज आप ब्रैकेट में बता दो, समझा दो कि एटलीस्ट 1 वाइट बॉल मस्ट बी इंक्लूडेड, कि एटलीस्ट एक वाइट बॉल तो इंक्लूड होनी चाहिए। अब नंबर ऑफ वेज आप लिखो कितने बनेंगे, तो फॉर एग्जांपल व्हाइट आपने टोटल 5 उठानी है ना, तो फॉर एग्जांपल आपने एक व्हाइट बॉल उठानी है, तो टोटल 5 है, 5 में से एक, और कंसीडर यहां पे सब डिफरेंट है, ये मैटर करता है। ठीक, अगर डिफरेंट ना हो तो फिर फर्क नहीं पड़ेगा ना, 5 बॉल है, 5 सेम ही है, तो एक ही तरीके से आप उठा सकते हो, कोई भी आप उठा लो एक ही बात होगी उसमें, अलग अलग तो कुछ है ही नहीं ना, तो कंसीडरिंग के वो डिफरेंट है, मेरे हमें डिफरेंट की वर्डिंग लिखी भी नहीं है, लेकिन ये इंप्लाइड ऐसे है। तो 5 व्हाइट बॉल है, कंसीडर करोगे डिफरेंट डिजाइन की होंगी, आपको नंबर लिखा होगा उनके ऊपर कुछ भी, तो उन 5 में से एक आपने उठानी है, तो 5 तरीके से उठा सकते हो, बॉल नंबर 1, बॉल नंबर 2 या जो भी है। ठीक है, तो एक बॉल अगर आपने व्हाइट उठा ली तो बाकी 4 कौन से होंगे? ब्लैक। 45 में से 4 आपको ब्लैक उठानी है, कितनी सिलेक्शन बनेगी? 45C4। ये एटलीस्ट एक व्हाइट बॉल थी, ज्यादा से ज्यादा 2 व्हाइट बॉल भी उठा सकते हो, तो 5C2 2 व्हाइट उठा ली आपने और बाकी 3 जो है वो आपने ब्लैक उठा ली, प्लस 3 आपने व्हाइट उठा ली और बाकी 2 जो है वो आपने ब्लैक उठा ली, प्लस 4 आपने व्हाइट उठा ली, 1 आपने ब्लैक उठा ली, और आखिरी ऑप्शन के 5 आपने व्हाइट उठा ली और 0 आपने ब्लैक उठा ली। ये एंड वाली चीज लिखो ना, लिखो 1 ही होगा, क्योंकि 5C5, खुद सोचो ना, अगर आपके पास 5 बॉल आपने उठानी है और 5 की 5 व्हाइट उठानी है तो एक ही तरीके से आप उठा सकते हो, तो एंड वाली चीज का आंसर 1 ही होगा, लिखो ना लिखो बात एक ही है। अगर पेपर में सामने लिखोगे, मेरे पास जगह नहीं है, मैंने इस तरह लिखा हुआ था। बच्चों पॉसिबिलिटीज यहां पे आ रही हैं 89,7001, तो 8,97,000 एक तरीके से आप ये काम परफॉर्म कर सकते हो।
तो बच्चों इस क्लास में इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ये बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है कंप्लीट कर लेंगे, फिर उसे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह एग्जांपल 7.1, 2, 3 के सॉल्व करेंगे। इस लेक्चर में इतना ही, अल्लाह हाफिज़।